नमस्कार जी, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन का चिल्ला। उसके लिए हमें सामग्री चाहिए। 1 कटोरी बेसन है, 1 कटोरी बारीक कटा हुआ प्याज है, 1 कटोरी हमने गाजर का दुकस किया हुआ लिया है, और थोड़ा सा हरा धनिया है कटा हुआ बारीक, और थोड़ी सी ये दही ली है हमने 3-4 चम्मच छोटी, और थोड़ी सी ये काली मिर्ची है और 2 हरी मिर्ची हैं, और ये 3 मसाले हैं इसमें। एक सौंफ है छोटी चम्मच, और 1 छोटी चम्मच जीरा, और 1 छोटी चम्मच धनिया जो हमने कूट के मोटा मोटा लिया है। अब हम इसमें ये कटोरी बेसन लिया था उसको डाल लेते हैं, इसका घोल बना लेते हैं हम। और इसी में हम ये जो मसाले लिए थे हमने इसको डाल लेते हैं, जो 3 मसाले। इसी में हमने जो काली मिर्ची ली थी उसको डाल लेते हैं, और हम थोड़ा सा इसमें नमक डाल देते हैं। और जो हमने ये हरी मिर्ची ली है उसको भी इसमें काट देते हैं बारीक बारीक। इसी में हम ये जो प्याज लिया था हमने इसको डाल देते हैं, कुछ इसमें हम ये जो गाजर ली है इसको डाल देते हैं, और थोड़ा सा आधा पहले हम हरा धनिया इसमें डाल देंगे, थोड़ी सी इसमें ये दही डाल देते हैं। अब हम इसको मिला लेते हैं। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के इसको लिक्विड पतला घोल बनाना है इसका। इसे अच्छे से फेंट देंगे ऐसे हाथ से ही। थोड़ा सा पानी और इसमें डाल देंगे। अब देखिए ये हमारा घुल चुका है, हमने ऐसा ऐसा पेस्ट चाहिए इसमें, इस तरह इतना लिक्विड चाहिए इसमें, इससे ज़्यादा नहीं पतला और नहीं ज़्यादा टाइट होना चाहिए, इस तरह का पेस्ट बनाना हमने। अब हमारा ये पेस्ट तैयार हो चुका है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, गैस ऑन करते हैं, और गैस अब हम इस तोए पर बनाएंगे। ये हमने तोया रख दिया है, आपका ये नया चिपके इसके लिए आप थोड़ा सा तेल डाल के एक बार, और जो आलू होता है उसको काट के पीस को, और गरम गरम एक बार इसके ऊपर ऐसे ऐसे घुमा देना। उससे कभी भी आपका कोई भी, जैसे चिल्ला भी बनाते हो या पूड़ा बनाते हो, कोई भी चीज़ बनाते हो, तो वो चिपकती नहीं है कभी भी इन पे। अब हमारा ये गर्म हो जाएगा, हम
देखिए अब अच्छे से ना हमने इसको घुमा दिया है। अब तो यह हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसको धीरे धीरे इसको ऐसे करके फैला देना। थोड़ा सा ये मोटा इसलिए बनेगा क्योंकि इसमें ना सब मतलब काट के बारीक बारीक वो चीज़ें कर रखी हैं। आप इसको पीस के भी बना सकते हो, जैसे पीस के मिक्सी में सारा सामग्री डाल के बेसन को सब्जियों को डाल के और उस मिक्सी में घुमा सकते हो। तो और अच्छा टेस्ट इसी में आएगा क्योंकि हमने बारीक बारीक काट रखा है इसको, कटे हुए में अच्छा टेस्ट आता है। ताकि हम दांत में जब चबाएंगे ना तो हमारे दांतों के नीचे जब चबा के खाते हैं ना जब बहुत ही टेस्टी लगेगा ये। और धीरे धीरे जब पकेगा ये आधा कच्चा कच्चा ऐसे लगेगा, पिसे हुए में पता ही नहीं चलेगा आपने क्या क्या डाला है इसमें। अलग अलग सब आपको रंग बिरंगा अच्छे से दिखाई देगा। अब हमने चारों तरफ इसके थोड़ा सा आपने तेल डाल दिया है और अब हम इसको धीरे धीरे देखिए आप थोड़ा थोड़ा ऐसे हल्के हल्के हाथ से इससे इसको दबाइए ताकि अच्छे से ये वो हो जाए, सीख जाएगा जो भी अंदर में है ना अच्छे से। बहुत ही अच्छा बनता है। अब हम हल्का सा तेल कहीं कहीं पे एक एक बूंद और डाल देते ताकि इस साइड में भी थोड़ा सा वो हो जाए। बस आपको ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है इसके, बस नीचे जैसे आप ही पलटते हैं तभी और देखिए चिपकता भी नहीं है बिल्कुल भी। देखो आप किधर भी इसको घुमा लो, देखो इसमें आप और भी सब्जियां जैसे डाल के, हरी सब्जियां होती हैं कुछ भी आप डाल के डाल सकते हो। हमने तो ये दो ही तीन डाल ली हैं, आप और भी डाल सकते हो। और देखो अब हमारा ये देखिए चिल्ला तैयार है। अब हम इसको इस प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए अब ये चिल्ला तैयार है। आप इसको किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हो, मतलब हरे धनिया की चटनी के साथ भी खा सकते हो, चाय के साथ भी खा सकते हो, दही के साथ भी ले सकते हो। और हमने हरे धनिया की चटनी के साथ रखी है, हरे धनिया की चटनी बनाई है इसके साथ ले रहे हैं। और आप मतलब इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।